नाजरन ख़ीन हजरात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के इस तली प्रोग्राम में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है हम आपका इस्तकबाल करते हैं इस तली प्रोग्राम में आज हम जिस मौजू पर बहस करना चाह रहे हैं वो हैं उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब मिर्ज़ा गालिब की शायरी शख्सियत हयात और कारनामे पर आज हम गुफगू करेंगे और हमारे साथ आज की इस गुफ्तु में उर्दू के मुल्क के जाने माने अदीब दानशवर शोब उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस्ताद वहाँ के सबक़ सदर मोहतरम प्रोफ़ेसर काजी अफजाल हुसैन साहब तश्रीफ़ फरमा हैं हम आपका इस्तबाल करते हैं आज हम लोग जिस प्रोग्राम के लिए गुफगू कर रहे हैं इस प्रोग्राम में अफजाल साहब को हमने जो दावत दी है अफज़ाल साहब से हम गालिब की शायरी और शख्सियत के मुख्त पहलुओं पर गुफगू करेंगे इससे पहले मैं अपने नाजरन को ये बताना चाहता हूँ कि प्रोफ़ेसर काजी अफजाल साहब दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से आपका ताल्लुक है इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तसनीफो तालीफ और तदरीस के काम में इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारी प्रोफेसर काजी अफजाल हुसैन साहब को हम तमाम लोग उर्दू अदब में उनकी मशहूर ज़माना किताब मीर की शेरी लसानियात के हवाले से जानते हैं बाद में काज़ी अफज़ाल हुसैन साहब ने सौदा हयात और शायरी के नाम से अपनी दूसरी किताब लिखी उनकी तीसरी किताब जो उर्दू तनकीद में जिसपे बहुत बहस हुई और एक ट्रेंड सेटर वो किताब है जिसका नाम तहरीर असास तनकीद है और अभी हाल फ़िलहाल काज़ी अफजाल साहब की एक चौथी किताब आई जिसका नाम सिनफियात है ये किताब उर्दू में अपनी नौीय की वाद किताब है पहली किताब है जिसमें मुख्तलिफ असनाफ़ की टेक्सोनोमी पर बातचीत की गई है इसमें शेड्स हैं मुख्तलिफ बातों पर काज़ी अफजाल साहब ने हमारी तो मफजूल कराने की कोशिश की है कि कैसे कोई सिनफ वजूद में आती है किसफ़ एक सिनफ का दूसरे सिनफ से हम किस वजह से हम उसका इम्तियाज़ कायम कर पाते हैं हम काज़ी अफजाल हुसैन साहब को इन हवालों से भी जानते हैं लेकिन इन सब के साथ साथ काजी अफजाल हुसैन साहब का जो सबसे बड़ा कारनामा है कि इन्होंने शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तदरीस के दौरान 30-35 नस्लों की आबियाारी की है वहाँ बीए की सतह के तालब इलम से लेकर एम एम फिल और पी एच डी के तलब इमों की जिस तरह से उन्होंने आबियाारी और परवरिश की है आज उनके स्टूडेंट मुल्क के गोशे गोशे में और मुल्क से बाहर उर्दू अदब में अपने कारनामे अंजाम दे रहे हैं काजी अफजाल साहब हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं हमारी जो शेरी रवायत है उसमें गालिब की अहमियत किन इसबाब की बिना पर कायम होती है ये जो आपने इस्तेमाल किया लफ्स शेरी रवायत तो गालिब हमारी क्लासिकी शेरी रवायत का आखिरी और सबसे बड़ा नुमाइंदा ये शेरी रवायत बनी है बरसों में बल्कि सदियों में फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल होते हुए इस शेरी रवायत में थोड़ी सी तब्दीलियाँ भी हुई जी हम उन्हें नजरअंदाज नहीं करते लेकिन हम ये बात कहते हैं बुनियादी तौर पर कि हमने अपनी शेरसाज़ी के उसूल फ़ारसी से सीखे भी और उसमें इजाफ़ा भी किया जी। हमने फ़ारसी की रवायत से क्या सीखा है गालिब उसकी भी नुमाइंदगी करता है और हमने उसमें क्या इजाफे किए हैं गालिब उसकी भी नुमाइंदगी करता है अच्छा। तो कहना चाहिए कि इस एतबार से सिर्फ ये नहीं कि वह हमारी क्लासिकी श रवायत का तर्जमान है बल्कि इस एतबार से भी कि उसने हमारी क्लासिकी श रवायत को जो तनाज़ुर दिया है वो इस मुल्क की रवायत से पूरी तरह हम आंग हो गया तो इस एतबार से गोया वो एक ऐसे मंजिल पर खड़ा हुआ है जहाँ कदीम व जदीद आके मिल जाते हैं और इस एतबार से वो हमारे लिए अहम हो जाता तो हमारी पहली इम्तियाज़ी सिफ़त यानी पहली तवज्जो उसके यहाँ बल्कि कहना चाहिए कि हमारी शेरी रवायत में उसकी मरकज़ीत इस एतबार से बहुत ज़्यादा है हम जो निसाब में गालिब को नागुजीर समझते हैं उसकी बुनियादी वजह यही है लेकिन गालिब की हद तक हम ये कहते हैं कि उसमें जो इंसान उसके रवाबिताशरती हवाले इसकी जो तर्जुमानी उसकी शायरी में है वो गोया एक बिल्कुल जैसे कहना चाहते हैं हमारी पूरी शेरी रवायत की नुमाइंदगी करती है हम इस वजह से उसको अपना बड़ा शायर कहते हैं बल्कि हमारे बाज़ क्रिटिक्स ने ये लिखा है कि गालिब वो शायर है जिसने हमारी शेरी रवायत की हर जिहत का एता कर दिया और ऐसा हमेशा नहीं होता ऐसा इत्तेफाक से कभी कोई ऐसा जीनियस पैदा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी शेरी रवायत मिसाली शक्ल में उसके यहाँ मौजूद हो जाती ये गालिब के यहाँ हुआ एक साहब ने तो ये तक लिखा है हमारे एक नक़ाद ने आबिद अली आबिद ने कि लफ्ज़ तमाशा के एक से ज़्यादा मानी हैं तमाशा के कोई मानी ऐसे नहीं हैं जो हमारी शेरी रवायत में हों और गालिब ने उन्हें अपने कलाम में बरता ना हो जी और ये बहुत तखलीकी जहानत की बात है कि एक लफ्ज़ जो हमारी शायरी में मुख्तलिफ शोरा के यहाँ मा, नाम माम मानी के साथ इस्तेमाल होता रहा है गालिब के कलाम में यही लफ्स अशार में मुख्तलिफ मानी के साथ इस्तेमाल हुआ ये बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता मैंने तो मैं सिर्फ तमाशा की मिसाल दी बल्कि हमारे तमाम कलीदी अल्फाज़, आईना तमाशा जलवा इन सबका जितने मफहम पर अाता गालिब का कलाम करता है पूरी रवायत में बहुत कम लोगों का करता है तो इस वजह से हमारे यहाँ इसकी बहुत बुनियादी अहमियत है जी हम उसे निसाब में रखते भी हैं कि आने वाली नस्लों को हम बता सकें कि हमारे यहाँ शेरी इजहार शेरी वसाइल शेर साजी के जो असूल हैं अगर हम उनका सिर्फ कोई एक मिसाल मंतख करते तो हम गालिब ही को करते इसलिए यह हमारे लिए अहम हो गया है जी हाँ आपने गालिब की शेरी रवायत या जो हमारे यहाँ शेरी रवायत है उसमें गालिब की शायरी का आपने बड़ा अच्छा ये एक्सप्लैनशन उसकी तशरी की लेकिन सर इसी जिमन में हम अगला सवाल ये होता है हमारे ज़हन में आता है कि हमारे तलब इलम से अक्सर इन सवाल से जूझते हैं कि फिर गालिब की शायरी बिलखसूस गालिब की गज़लों के इम्तियाज़ा क्या हैं देखो ये तो ज़ाहिर है कि ये तुम्हारे पहले सवाल से दूसरा सवाल अपने आप पैदा हो जाता जी हमारी शायरी के मतलब यानी ग़ल की शायरी के मतलब हमारे एक टीचर और हमारे बड़े अहम नकात नक्का प्रसर आलमसरूर ने यह बात कही थी कि गालिब से पहले गज़ल दिल की दुनिया थी बिल्कुल गालिब ने इसको जहन दिया जी हाँ तो मेरे नज़दीक तो गालिबा सबसे पहली सबसे बुनियादी सिफत उसकी यही है कि वो हमें माशरा आदमी और माशरतील पर ग़ौर करने की तरफ मुतव करता तो ये शायरी उतनी जज्बे की या बल्कि जज्बाती नहीं रह जाती ये शायरी के लिए अगर हम कोई उनवान बनाते हैं जो हमसे पहले लोगों ने बना रखा वो फिक्री शायरी है जी बिल्कुल सो so, पहली बुनियादी बात तो यही है कि ये एक तरह की फिक्री शायरी फिक्री है। शायरी है। जी। और फ़िक्री शायरी के मनासी माना, के, के, मा, के मानी ये होते हैं कि ये शायरी दुनिया इंसान और उसके दरमियान ताल्लुक़ को समझने का वसीला बन जाती है, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब नापा जयर हरम आई तकरारे तमन्ना जी ये शौक तराशे है पना है। अब ये इस तरह की शायरी महज जज्बों की शायरी नहीं है ये इंसान को उसकी सूरत हाल में रख कर समझने की शायरी है और जब हम गालिब को पढ़ाते हैं तो हम ये बात बताकर शुरू करते हैं कि ये शायर हमारे यहाँ फिक्र के नए इम्कान का पता देता हूँ तो ये तो गोया उसकी शायरी की बहुत बुनियादी सिफत हुई अब जो बिल्कुल सामने की बात है जि मतलब जैसे कहने और बी ए के लेवल पर तो खैर बताना चाहिए लेकिन उसके आगे इसके बताने की भी ज़रूरत नहीं कि भाई जब एक शायरी फिक्री होगी तो वो इमेजिनेटिव तखीलाती होगी इमेजिनेशन से उसका ताल्लुक़ होगा तो मैं याद होगा कि इकबाल ने जो गालिब का मरसिया कहा है उसको यहीं से शुरू किया है फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है परे मुर्गे तखयल की रसाई ताकुजा बिल्कुल कि तुम्हारा इमेजिनेशन कहाँ तक जा सकता जी और जैसे ही कोई शायरी फ़िक्री होती है वो इमेजिनेटिव हो जाती है तखयली हो जाती है आइडियोलॉजी से मेरा मतलब नहीं है आइडियोलॉजी तो बिल्कुल मादी दुनिया की पैदा क्रिएटिविटी से इसका ताल्लुक़ है कि जिसकी तख्लीकीवत में परवाज होगी जी हाँ या जिस तखैुल से कलाम पैदा करती है वो बहुत आसान बात नहीं है और हमारे और हमारा क्या बल्कि शायद उर्दू में हर शख्स इस पर मुतफ़ है कि गालिब के मुर्ग तखयल की जो रसाई है उसका कोई जवाब उर्दू के किसी शायर के यहाँ नहीं है ये उसकी पहली सिफत है अशार की मिसालें तुम अपनी क्लास की किताबों से भी देख सकते हो जो तुम्हारे यहाँ उसमें कोर्स में उनमें भी ये मौजूद है और आसानी से मिल सकती है जी हाँ एक दूसरी बात भी है कि इस जस्तुजू में इसमें एक तरह की क्यूरियासिटी पैदा हो जाती है बिल्कुल और आप यह जानना चाहते हैं कि जो कुछ आपके इर्द गिर्द है वो क्या है इसलिए ये कहते हैं कि उसकी दूसरी सिफत जो है वो ये लोग तो ये कहते हैं कि उसकी दूसरी सिफत कलाम की ये है कि उसमें सवालात बहुत हैं मगर मैं इसको इस तरह बयान करता हूं कि उसकी शायरी में जस्तुजू बहुत है अबर क्या चीज है हवा, हवा क्या है सब्जो गुल कहां से आए हैं हाँ। मतलब जैसे सवाल की झड़ी लगा देता वो पूरी गजल कही है इस पर गजल का मामला नहीं है उसकी पूरी शायरी में जस्तुजू बहुत ज्यादा है और उसका जा, लेसानी इजहार सवालत की शक्ल में हुआ कि ये क्यों हुआ वो क्यों नहीं हुआ क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना हुआ जी ये जो दूसरी सिफत मैं आपसे कह रहा हूं जस्तुजो की जो इमेजिनेशन ही की तकलीकी से पैदा होती है उसमें भी उस आदमी का उर्दू शायरी में कोई जवाब है नहीं बिल्कुल और तीसरी बात यह है कि वह आदमी मतलब कैसे सोचता है वाकई हैरत होती है है आदमी बजाय खुद एक मैशर ख्याल हम अंजुमन समझते हैं ही क्यों ना हो इस तरह सोचने वाला हमारे यहां शायद बामश्किल ही मतलब कलाम में तो सबकी ये सब चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन कोई ऐसा शायद जो इसमें तवातुर से गुफ्तु कर रहा हो गालिब के अलावा नहीं जी तो ये उनकी दूसरी बड़ी बल्कि कहना चाहिए सबसे बड़ी सबसे अहम खसूसियत तस्वुर की जाती है मैं तो जब अरे ऐसा सा वो आपने गज़ल पढ़ी बाजीचा अतफ़ाल दुनिया मेरे आगे होता, होता है सब वोश जी हाँ तो उसने इस तमाशे को क्वेश्चन किया सवाल किया है कि ये क्यों और कैसे है अब ये कितने लोग कर पाते हैं भाई जी लोग दुनिया को बयान करते हैं दुनिया पे सवाल कायम नहीं करते जी ये काम हमारे गालिब ने किया जी गालिब का जो ये सवाल करने का तरीक़ा है शायद इसी तरीक़े ने कलाम गालिब को मुश्किल बना दिया और ख़ुद गालिब के ज़माने में गालिब के कलाम को गालिब की गज़लों पर ऐसा जो ने लोगों ने इजहार ख़्याल किया कि वो मुश्किल पसंद है मुश्किल शायरी हाँ, करते हैं हैं मुश्किल हाँ, शेर वो कहते है, है। है। तो बिलखसूस अभी हम ये जानना चाहते हैं कि गालिब का जो एक कलाम है इसके बारे में कहा जाता है कि ये मुश्किल कलाम है, है। इस पर आपकी क्या राय है एक तो ये कि मैं इनकार नहीं करता जी हाँ है, है। जी लेकिन एक दूसरी बात मैं आपसे इसके असबाब अवामिल क्या है मगर मैं एक दूसरी बात आपसे कहता हूँ कि मुश्किल होने का मामला जरा सा जैसे कहना चाहिए ना अफराद के साथ बदलता जाता है जो कोर्स बी ए का लड़का मुश्किल समझ के पढ़ता है वो कोर्स एम ए का लड़का आसान समझ के पढ़ता है जी तो मैारहन तरबियत रवायत से वाकफियत ये चीज़ें किसी कलाम को मुश्किल या आसान बना सकते हैं जी लेकिन जो कहने की बात है दो बातें एक तो ये कि उनके बारे में ये बात कही गई है और ये बिल्कुल ठीक कही गई है कि वो अपनी असल में ख्यालबंद शायर है जी ख्याल बंद शायर कहने से मेरी मुराद ये है कि वह जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उसका इमेजिनेशन नए आफाक तलाश करता बिल्कुल और उनको नजम कर रहा होता बिल्कुल अच्छा जब आप नए किसी नई दुनिया की दरियात पर निकलते हैं तो आपके पास अल्फाज जो आपके मादी वसाइल तरसीली किरदार जो अल्फाज अदा करते हैं हम आप बात कर रहे हैं ये इस ज़बान का किरदार है जी लेकिन जब हम एक इमेजिनेटिव गुफ्तु कर रहे हैं जो हमारे तजुर्बे या मुशाहे की चीज़ नहीं हमारे जहन की सोच की चीज़ है तो उसके लिए अल्फाज तलाश करने पड़ते हैं तो उसने जो अल्फाज अपने लिए मंतहब किए या जिससे उसकी शेरी लसानियात बनती है वो असला तजरीदी हैं एबस्ट्रैक्ट हैं जी ये उसके मुश्किल होने की पहली वजह है जी और अच्छा ये भी एक दिलचस्प बात है कि दू, जो दूसरी वजह मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ शायद आसानी से फ़राहम नहीं हो सके वो अल्फाज उसको रोज़ाना तरसीली ज़बान में तो उसने अपनी अदबी ज़बान से जो असेंशली जो बुनियादी तौर पर फारसी की ज़बान थी वो उसने मन बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसके नतीजे में हमारी शायरी में वो अल्फाज उनके मानी ही हमें पता नहीं जी हाँ हम ये हम ये समझ ही नहीं पाते कि इस शेर में मानी क्या मानी तो बात की बात है इन अल्फाज के मानी क्या हैं जो ये लोग मुश्किल यानी जिसको इजाफतों की वजह से मुश्किल शेर बताते हैं इजाफतें तो उसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि वो अल्फाज हमारे यहाँ बहुत आम नहीं हैं बिल्कुल दीवान गालिब का पहला शेर जी नक्श फरियादी है किसी की तहरीर का एक जलसे में गुफ्तु के दौरान हमने कहा कि नक्श को बमानी लफ्ज़ गालिब ने इस्तेमाल किया तो एक बहुत सीनियर प्रोफेसर ने कहा कि हमने तो कहीं नहीं देखा अब जब आप एक लफ्ज़ नक्श के मानी के बारे में भी कोई डिक्शनरी से मानी नहीं निकाल पा रहे हैं और फिर नक्श के फरियादी होने का ज़िक्र कर रहे हैं तो आप एक मुश्किल बात कह रहे हैं बिल्कुल आपके लिए इतना आसान नहीं होगा चनाचे पिछले कोई दस पंद्रह साल में दस पंद्रह में शायद बहुत तकल्लुफ़ से काम ले रहा हूँ कहना ये चाहिए कि गालिब की शरहें अब तक चालीस लिखी जा चुके हैं जा। और चालीस शरहें इसी लिखी गई हैं कि उसके अल्फाज के मानी का तयन इतना आसान नहीं है जितना मतलब रोजाना मामूलत की गुफ्तु के मानी का तयन आसान होता है, है। नख खुद इसी शेर की नक्श फरियादी है किसकी शोक तहरीर का कम से कम पांच या छः शरहें तो हमने पिछले चार बरस में पढ़ी है। जी है। और हैं और बिल्कुल नई शरें जो पिछले से मुख्तलिफ हैं तो एक वजह तो उसके इशकाल की ये है, है। कि वो आदमी वो अल्फाज नहीं पा रहा जिसमें वो अपने ख्याल का इजहार करना चाहता है और दूसरी वजह यह है कि जब वो कोई लफ्ज़ चुनता है तो वो ऐसा मानी से भरा होता है कि आप सारे महानी का हाथा उस एक लफ्ज़ के के महानी के जो अहाते हैं वो आप नहीं मुकम्मल कर पाते खुद उन्हीं का शेर जो बहुत मशहूर है अगरचे जरा से गलत मफहूम में मशहूर है लेकिन बहरहाल नए मानी का तिल्म उसको समझिए जो जो के, के गालिब मेरे अशार में, में आ गए मेरा ये कहना है कि उसमें थोड़ी सी कजी है उसको उससे बेहतर बनाया जाना चाहिए लेकिन जो मानी राइज हैं वो ये हैं कि वो ये कह रहा है कि जो जो ये अलफाज हैं मेरे ये मानी का ख़जाना हैं जी अगर कोई लफ्ज़ मानी का ख़जाना है और शेर में एक लफ्ज़ मानी का ख़जाना है तो उसको मुश्किल तो होने ही चाहिए वो तो होगा ही क्योंकि आप जो मानी उस खजाने से जो चीज़ें आपने बरामद कर ली हैं दूसरा आएगा तो उसी खजाने से दूसरी दूसरे दूसरी चीज़ें बरामद करेगा तीसरा आएगा तो ऐसी जहाँ कसरत मानी हो जाती है जहाँ मानी फैल जाते हैं उसकी वजह से भी ये शायरी मुश्किल हो गई है बल्कि बहुत आसान आसान शेर जिनको समझ के हम पढ़ते हैं वो आसान आसान शेर भी इतने आसान नहीं होते ज़रा सा गौर करिए तो लगता कि इसमें तो ये भी था जो हमने देखा नहीं जी इस वजह से भी उसकी शायरी को हम मुश्किल कह रहे हैं तो दो सतें हुई मानी की या मजमून की सतह पर उसकी तजरीद जिसकी वजह से उसका इश्काल बिल्कुल और फिर उन मदामीन के लिए अल्फाज का इंतखाब जो उसे उर्दू की रोज़ाना गुफ्तु में नहीं मिलते और वो फारसी से मुस्तार लेता है बिल्कुल और तीसरे जो भी लफ्ज़ मुस्तार लेता है उसमें मानी की इतनी कसरत कि एक आदमी उसे हल नहीं कर पा रहा है तो उसको उसके लिए और कोई लफ्ज़ नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि यह शायरी मुश्किल हो गई है हालांकि इस मुश्किल कहने का मतलब ये है कि वह शायरी बहुत बामानी बहुत कसरत मानी से भरी हुई बहुत सर्वतमंद शायरी है गालिब की जो शायरी है उसमें मुश्किल चीज़ों की ये तह है।, है लेकिन एक बात आपने और अभी बड़ी अच्छी कही सर जरा उसकी वजाहत चाह रहा हूँ कि बी ए की सतह पर ग्रेजुएशन की सतह पर जो बच्चा पढ़ता है उसको ये शायरी मुश्किल लगती है और एम ए की सतह पर जब तरबियत होती है तो यही शायरी उसको आसान लगती है तो सवाल हमारे जहन में ये उठता है कि फिर हमारे जो ग्रेजुएशन की सतह के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ग्रेजुएट्स के लिए ठीक है गालिब की शायरी की तदरीस किस सतह पर होनी चाहिए एम ए में एक कोर्स पढ़ाता था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जी अमली तनकीद जी, उसका तरीक़ा हमने ये निकाला था कि हम कोई एक नज़म ले लेते थे मसला आखिर में हमने फैज की एक नज़्म ली थी जो बहुत मशहूर है कौन आता है दिलेजार नहीं, का, नहीं कोई नहीं जायरा होगा कहीं और चला जाएगा जी और हमने ये करके उनको दिखाया था कि देखो इस शायरी को अगर हम तरक्की पसंद तस्वर अदब की रोशनी में पढ़ें तो इस तरह पढ़ेंगे हम यह बताएंगे कि कैसे ये तरक्की पसंद तहरीक से मायूस होते हुए फैज की नजम है यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ लुडमिला वासिलेवा ने फैज़ पे जो किताब लिखी है, है। लिखा है कि यह नजम उन्होंने हमारे घर कही थी और वहां भी चूंकि हमारे लीडर्स के से उनको जरा सा तजवजुब हो गया था कि ये लोग शायद सही राह मंतखब नहीं कर रहे हैं उन्होंने तब ये नजम कही थी तो अब उस रोशनी में आप ये नज़ पढ़िए तो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ मानी बरामद होंगे बिल्कुल मुख्तलिफ तरह पढ़ाई जाएगी फिर मैं एक दूसरी क्लास में इस नंद को इस इस तरह पढ़ाया मैंने कि ये फार्मलिस्ट पोएम अगर अगर समझ कर पढ़ी जाए तो हम इसके फॉर्म के बारे में कैसे बात कर सकते हैं इसकी तशबीहत के इसके इश्हारों के इसकी तरकीबों के इसके आहंग के इसके मतलब हम गुफ्तू करेंगे तो हम कैसे पढ़ा रहे होंगे नम कैसे पढ़ी जाएगी फिर अब अगर हम इसको मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और पढ़िए लोगों ने तो एलिनिएशन इसमें कितना दिखता और एलिनिएशन कैसे बना है? हम इसके बारे में पढ़ेंगे? तो गोया एक ही टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ा पढ़ाया जा सकता है आप डिग्री के लेवल पर यह नहीं कर सकते आपको तो कोई ऐसा जैसे कहना था आमेजा तैयार करना पड़ेगा जहाँ आप सबसे आसान बात तो ये है कि अल्फाज के मानी से लेकर उससे बरामद होने वाली नज़म की नसरी मंतिक पढ़ा दें पहला काम तो ये होगा मुश्किल अल्फाज के मानी की तशरी कर लें और फिर शेर को आप गज़ल को जान को रखिए नज़म को हटा दीजिए तो शेर की जो नसरी मंतिक बरामद होती है आप वो निकालें और फिर उस नसरी मंतिक से जो मानी बरामद होंगे जी ये तीसरी सतह हुई जी नसर करना शेर का ये अलग एक चीज़ है और उस की हुई नसर का के मानी बरामद करना ये एक बिल्कुल अलग सतह है लेकिन यही तीन सतहें हैं जिन पर आप बी ए के लेवल पर शायर को पढ़ा सकते हैं दो बातें आपसे और कहता हूँ ये पहले ये तरीका बहुत राइज था कि हम हर नसर की माशरती हकीकत दरियाफ़्त कर रहे थे या सवानी हकीकत दरियाफ्त कर रहे थे ये एक जैसे कहना चाहिए ना बहुत महदूद तरीका है उस नसर से जो शेरी हकीकत बरामद हुई है वो बयान करनी चाहिए शायर शेर कह रहा होता है तारीख नहीं लिख रहा होता शायर शेर कह रहा है आपकी असलाह के लिए उसने जिम्मा नहीं लिया हुआ होगी आपकी असलाह क्योंकि शेर की सिफत यह एक उससे कैथरेस तनकीह होती है जी। तो वो तो होगी लेकिन ये आपकी टीचिंग का मकसद नहीं है आप कोई भी मतन पढ़ाने बल्कि सिर्फ़ एक मैं इसको नहीं कर रहा कोई चैप्टर तारीख़ सोशोलॉजी साइंस कुछ पढ़ा रहे हों तो आप पढ़ाने का एक पहले मकसद तय करते हैं एक ऑब्जेक्टिव है कि आज आप क्लास में जा रहे हैं आज आपके पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा जब आप ये तय कर लेते हैं तब आपको तय करना होता है कि इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमारे पास राह पढ़ाने की राह क्या होगी वो राह मुंतखब करने में आपको देखना चाहिए कि इस शेर की मारूज यानी मकसूद तक पहुंचने के लिए हमें क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए जरूरी नहीं है कि वो समानी हो जरूर नहीं है कि वो माजरती हो आइडियोलॉजिकल हो वो फनी भी हो सकता जी है। वो आप मुंतखब करेंगे ये बात तो इसके बाद होगी कि जब एक मरता वो शेर को पढ़ना उसकी नसर करना और नसर से उस शेरी सदाकत को बरामद करना सीख जाएगा तब तलेब अगली मंजिल ये होगी कि वो अपना ऑब्जेक्टिव तय करेगा कि इस शेर से हमको क्या निकालना जी पहला सवाल वहाँ पर जहन में ये भी उठता है कि गालिब ने गजल के अलावा और किन किन असनाफ पे तबा आजमाई की गजल के अलावा हाँ। वहां गाल हैं ये सवाल अक्सर हमारे बच्चों के हाँ में भाई पहले तो मैं तुम्हें एक लतीफा सुनाता हूँ जी जो गालिब के खत में है गालिब को मुंशी हरगोपाल तख्ता ने अपनी तस्वीर भेजी फोटो खींचा हुआ जी हाँ अच्छा उस जमाने में गालिब की भी एक तस्वीर है फोटोग्राफ है गालिब का मौजूद जी हाँ तो वो ज़माना वो था जब नया नया कैमरा आया था फ़ोटो खींचे जा रहे थे तो मुंशी हरगोपाल तख्ता ने भी अपनी तस्वीर खींची खिंचवाई और उस्ताद को पेश की कि ये मेरी तस्वीर है वो तस्वीर जब उनको मिली तो उन्होंने उनको जो ख़त लिखा बड़े मज़े का है उससे गालिब की शख्सियत पे भी रोशनी पड़ती है लिखा है कि भाई तुम्हारे तुम बहुत लंबे हो तुम्हारे कशीदा कामत होने पर मुझे रश नहीं आया इसलिए कि जब मैं जीता था तो मेरा भी नुमा था। ख़त ख़र ज़बान तो ऐसी लिखता है साहब। तुम्हारे सुर्ख सफेद होने पर मैंने खूने जिगर न खाया कि जब मैं जीता था तो मेरा भी रंग चंपई था वाह हां मैंने रश किया मैंने खूने जिगर पिया इस पर कि दाढ़ी खूब मुडी हुई है और बाल बहुत अच्छे बने हुए हैं जब मेरे चेहरे पर चींटी के दाने निकल आए यानी वही जब हल्का हल्का शिकन पड़ने लगी जी तो नाचार मैंने दाढ़ी रखनी जी और सर मुडाना शुरू कर दिया जी उसमें ये इशारा भी मौजूद है कि चूंकि अब सब आदमी दाढ़ी मुड़ाता और बाल रखता है तो मिर्जा गालिब दाढ़ी रखता और बाल मुड़ाता वाह ये बल्कि उन्होंने एक ख़त में ये भी लिखा मैं तुम्हें तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसके मान ही समझ में आए कि कितना अजीब व गरीब आदमी है ये एक खत में उसने लिखा है कि किसी ने कभी उन्होंने कहा था कि मैं फ़ला सन में मर जाऊँगा अप्रैल में मर जाऊँगा कि जून में मर जाऊँगा नहीं मरे अब उनके शागिर्द भी बड़े शोक उसने लिखा कि मिर्दा आप तो कहते थे कि आप इस सन में मर जाएंगे मगर आप तो जी गए वो महीना भी गुजर गया उनका नहीं नहीं मैंने बिल्कुल तय कर लिया था बुखार भी आ गया था लेकिन उसी ज़माने में हैज़ा फैल गया तो जिस मर्द में सब मरते हों उसमें हम नहीं मरते जी ये है गालिब चुनाच गजल सब आसान कह रहे थे तो मिर्जा ने मुश्किल गजलें कहनी शुरू कर दी बिल्कुल और कसीदा सब मुश्किल कह रहे थे मसा उनके मासिर जी कसीदा सब मुश्किल कह रहे थे तो मर्दा ने कसीदा आसान कहना शुरू कर दिया जी हाँ यह उसके मिजाज की का एक अनोखापन है एक एक इनफरादियत है जिससे तो जो पहली बात हम कहते हैं कि क़सीदे का जो इस्टेब्लिश जो मुतन उसलूब था मिर्जा ने उससे गुरेज़ किया और आसान अल्फाज में शेर, शेर कहने शुरू कर दिए जी हाँ ये उनके कसीदे की पहली सिफत है और बहुत मुमताज़ सिफत है बहुत लोगों ने लिखा भी लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह उसको लिखा जाना चाहिए था जी दूसरी सिफत उनकी यह है कि भाई कसीदा बादशाहों का जब लिखा जाता है तो उसका एक मुद्दा होता है आपको है। चाहते हैं जी हाँ। और चाहना क्या है अरे भाई खाना पीना रहना रईस की तरफ से आपको आसाइश यही है जो हर आदमी मांग रहा होता है कसीदे में मिर्जा ने अपने खत में लिखा कि जी मैंने ये हिस्सा तो मुद्दा बिल्कुल खत्म कर दिया और तशबीब बढ़ा दी जी मिर्जा की तशबीबें लंबी हैं मदह के अशार कम हैं और मुद्दा है ही नहीं जी हाँ तो अब यह वो चीज़ है जिसने कसीदे की जिसे कहने सिंफी तब्दीली है ये बाकादा। उसके स्ट्रक्चर के जो चार अज्जा हैं उसमें से उसने जो सबसे तवील होता था उसको कम कर दिया है और जो मुख्तसर होता था उसको सबसे तवील कर दिया वो उसके तशबी हैं आप जब जब भी मिर्जा के कसीदे पढ़ेंगे जब भी उनमें अच्छे अशार का इंतखाब करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर इंतखाब मिर्जा की तशबीहों से हो रहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने मिर्जा गालिब की दीगर असनाफ़ के हवाले से आपने की हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा थे उस मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर काज़ी अफजाल हुसैन साहब और उन्होंने ग्रेजुएशन की सतह पे जो हमारे तालब इल्म हैं उनके लिए जो भी बातें की हैं गालिब के हवाले से गालिब की शख्सियत शायरी और उस अहद के हवाले से मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हमारे जो ग्रेजुएशन के तालब इम हैं उनके लिए ये बातें बेहद कारामद होंगी और ये उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में आप फिर हमारे साथ शर्क होंगे आप लोगों का बेहद शुक्रिया